आज हम अपनी बर्ड्स को खिलाने वाले हैं पालक। तो ये मैं कुछ पालक लेके आज हम बस इतना ही देंगे, ये थोड़ा सा, और ये थोड़ा खा ले क्योंकि आज शाम का टाइम है और शाम के टाइम में यानी ये बहुत यानी अभी ये गीला गीला है तो इसमें पानी है, इस वजह से ये हम सुबह देंगे जब सूरज निकले और थोड़ा धूप ले तो फिर सही रहेगा। और ये मैंने एक पूरा एक क्या होता है एक शापर में बस इतना ही लेके आया हूँ और ये इसके लिए रख के और फिर हम इसको यूज़ करेंगे। ओके, इसको रख देता हूँ तो ताकि ये इस तरीके से रहे और ये गीला गीला रहे तो फिर ये मुरझा नहीं जाएगा। और चलो हम इसको खिला देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमने जो पालक है वो हमने रख दिया है और बारी बारी सब आ रहे हैं इसको खाने के लिए। तो अब हम थोड़ा हट जाएंगे तो ये पूरा जो है सारे तोते जो है वो नीचे आ जाएंगे। देखो कितने शौक से आ रहे हैं और ये बस हमने थोड़ा ही रखा हुआ है, तोते बहुत ज़्यादा है और ये थोड़ा 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 खा के ये शिफ्ट हो जाएगा। हमने ज़्यादा नहीं खिलानी है अभी इस टाइम, तो सुबह हम इंशाल्लाह फिर और दे देंगे, अभी इतना काफ़ी। हेलो फ्रेंड, तो आज है नेक्स्ट डे और आज आप देख सकते हैं इधर ये पूरा जगह जो है ये बहुत गंदा उसका है और हम इसका क्लीनिंग करेंगे, इसको साफ़ करेंगे, ये नीचे वाली जगह जो भी है। और इधर से हम स्टार्ट करेंगे और इधर जो हमारा तोतों का जो जगह है फेरेट्स का, तो ये भी गंदा हो चुका है और हम इसको भी साफ़ करके अंदर से फिर दिखाते हैं। जैसे हम इसको साफ़ कर देंगे तो आप फिर करेंगे और इसको आप लोगों के साथ दिखा देंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ये वाला जगह साफ़ करेंगे और फिर इस वाले के काम शुरू करेंगे। तो चलो हम इसको साफ़ करके दिखाते हैं। तो इधर से स्टार्ट करेंगे और हमारे प्लांट में जितने भी गंदे पत्ते मत्ते वगैरह होंगे इसको हम साफ करके एक शॉपर में डाल देंगे या हम उसको कंपोस्ट में यूज़ कर देंगे। तो चलो हम इसको साफ़ करके बाद में दिखाते हैं। तो फ्रेंड फाइनली सफाई हो चुका है, आप देख सकते हैं इधर का पूरा, तो इधर का जो जितना भी कचरा था और इधर का जितना भी कचरा था फेरेट्स का जो था और जो सीड्स की छिलकी थे वगैरह तो वो सब हमने इस बोरी में भर दी है। और मैं कुछ पालक की सीड्स लेके आया था तो मैं चाह रहा था कि इसके लिए ग्रो कर दूँ और जब वो बड़े हो जाएंगे तो हम अपने फेरेट्स को खिलाएँगे। तो ये वाला फोर्ट जो था इसमें ये कुछ प्लांट लगी हुई थी तो हमने इसको हटा दिया, इसको इधर इसमें रख देंगे और ये डिकम्पोज हो जाएगा। इसके ऊपर हम रेड डाल देंगे और कंपोस्ट डाल देंगे यानी मिट्टी जो, और फिर हम इसमें सीड्स लगाएंगे पालक के, तो इसमें भी लगाएंगे और इसमें भी लगाएंगे और भी हम जिधर हो सके जगह बना तो उधर हम लगा देंगे। तो चलो हम इसको इकट्ठा करके फिर दिखाते हैं। इसमें मेरे पास सीड्स हैं, मैंने रखे हुए हैं मेरे जेब में तकरीबन उधर ही, तो चलो उस सीड्स भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये है सीड्स, तो चलो हम इसको ग्रो करेंगे थोड़ा इधर थोड़ा इधर। इसमें हम पहले जो है ना जो गार्डन सॉइल है वो डाल देंगे फिर ग्रो करेंगे और जितना जगह भी खाली होगा उधर हम ग्रो करेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और फिर क्या होगा जब बड़े हो जाएंगे तो हम अपने फेरेट्स खिलाएंगे। तो चलो आगे का वीडियो आगे देखें। तो फाइनली हमने इस बोरी में जो है ना जो डिकम्पोज है मिट्टी तो हमने भर दी है और अब हम इसमें थोड़ा सीड्स डाल देंगे, ये वाला एक स्क्रीन कर कर देंगे और ये खुद ब खुद उग जाएगा। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे और फिर पानी दे देंगे ऐसा ताकि ये सीड्स जो है ये कवर हो जाए और फिर देखते हैं कि कितनी देर में ये कितने दिन बाद ये उग जाएगा। तो चलो हम इधर भी डाल देते हैं और इधर भी हमने ये कुछ सीड्स डाल दी है तो इंशाल्लाह ये भी जल ही निकल जाएंगे। इसके ऊपर भी हम ये सॉइल डाल देते हैं और इसको भी पानी देके इंशाल्लाह ये भी जल निकल आएंगे और फिर हम अपने पेरेट्स को खिलाएंगे।
सो हमारे घर में ही बनेंगे पालक, तो चलो अच्छा है, फायदा होगा। तो ये कवर हो गया, अब हम इसमें पानी डाल के फाइनली आप देख सकते हो हमने इधर सीड जो है लगा दिए और पानी भी हमने इसको दे दिए और इस वाले को भी, और एक हमारे पास एक और बाल्टी है इधर, तो हम उसको भी इसमें भी लगाएंगे बहुत जल्द। चलो उसे लगा के वो भी हम दिखाएंगे इंशाल्लाह, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो जैसे जैसे ये तैयार हो जाएंगे फिर आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। तो आपको एक फ्लावर दिखा दूँ, एक ये वाला किन्नी वाला है कि मैंने खुद सीड्स लगाए थे, और एक वाला इधर खिल चुका है तो बहुत ज़बरदस्त, आप देख सकते हैं ये वाला, एक ये भी खिलने वाला है। और हम इसको भी थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र जो कुछ हमारे पास होगा तो हम इसको दे देंगे ताकि इसकी फ्लावर अच्छी हो। तो आप देख सकते हैं, और आप हमारे कहते भी देख सकते, थोड़ा सा पालक मैंने डाल दिया है, ये अब नहीं खाएंगे क्योंकि सुबह मैंने डाल दिया था उसमें काल चुके हैं, और इंशाल्लाह कल ये खाएंगे, अभी ये रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। तो हम इसको कवर करके ताकि इसको ठंड ना लगे। तो आप देख सकते हैं इसका केज कितना साफ हो चुका है। तो अपने परिंदों का खास ख्याल रखें, उसका पानी का, उसका केज का, सफाई का, तो फिर वो अच्छी ब्रीड करेंगे और आपको फ़ायदा पहुँचेगा इंशाल्लाह। तो अभी आप देख सकते हैं, तो उस वाली मटके में अंडे दिए हुए हैं और एक इस वाले में दिए है, तो दो मटके में भी अंडे आ चुके हैं इंशाल्लाह, और भी ब्रीड करेंगे और अंडे देंगे। तो आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे हैं। तो चलो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अभी शुक्रिया।